दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है क्यों होती है रोल्स रॉयस की गाड़ियां इतनी महंगी? शायद नहीं मालूम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इस कार को रोल्स रॉयस कहते हैं। आपको बता देते हैं, न्यूज़पेपर बेचकर घर का खर्चा चलाने वाले लड़के ने जब एक ऐसी कार कंपनी शुरू कर दी जिसकी गाड़ियां आज भी शुरू होती है 3 करोड़ रुपए से, ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि इनकी जिंदगी में कितना संघर्ष रहा होगा। आज भले ही कार कंपनीज के नाम में रोल्स रॉयस का डंका बजता हो, लेकिन कभी से शुरू करने वाले की जिंदगी में सुकून की 2 रोटी भी नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं रोल्स रॉयस और उसके पीछे की सफलता की कहानी, और ये जानते हैं कि क्यों ये गाड़ियां इतनी महंगी मिलती है। जहां आज इन सभी चीजों से मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस वीडियो के माध्यम से पर्दा उठाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रोल्स रॉयस कंपनी 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, जिसमें फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस शामिल थे। इसी वजह से इन दोनों के सरनेम को मिलाकर इस कार कंपनी का नाम रोल्स रॉयस रख दिया गया। लेकिन इस कंपनी की सफलता में सबसे बड़ा हाथ हेनरी का था, क्योंकि जब ये 9 साल के थे तो इनके पिता के निधन के बाद हेनरी को अपने घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचने से लेकर टेलीग्राम बांटने तक का काम करना पड़ा, और उसके बाद इन्हें नॉर्दर्न रेलवे में काम करने का मौका मिल गया, जिसके बाद ये लंदन पहुंच गए और लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिस कंपनी के जरिए सड़कों पर लाइट लगाने का काम करते थे। अब तक इन्होंने अपने कुछ पैसे जुटा लिए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने दोस्त की मदद से एक बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाली कंपनी खोल ली, जिसके अगले 10 सालों बाद इन्होंने डायनमो बनाने भी शुरू कर दिए। हालांकि इनकी कंपनी चल तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन अमेरिकी और बाकी देशों ने जब डायनमो बनाने शुरू कर दिए तो इनकी कंपनी को घाटा होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने कार बनाने का फैसला किया। यहां तक कि मोटर के इंजन वगैरह को अच्छे से जानने के लिए इन्होंने कई सारी गाड़ियां भी खरीद ली थी। दोस्तों इन कारों से इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद इन्होंने खुद की 3 कारें बनाई, जिनमें से एक कार तो इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके कैलेरे मोन को दी, और फिर एक कार एक शख्स ने खरीद ली, जिसके बाद से चार्ल्स रोल्स की कहानी शुरू होती है। दोस्तों इनका कार का शोरूम पहले से ही लंदन में मौजूद था, ऐसे में इन्होंने हैवी रॉयस के कार को देखा तो इन्हें वो बहुत पसंद आई। यहीं से रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत हो गई, जहां इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप से इस कंपनी को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। किसी भी इंसान के सपने में भी रोल्स रॉयस गाड़ी नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे खरीदना उनके बस की बात नहीं है। इसे वही खरीद सकता है जिसकी जेब में मोटी रकम हो, और मोटी रकम 3 करोड़ से ऊपर ही होती है। ऐसे में कई बार आपके दिमाग में सवाल आता है कि ये कार इतनी महंगी क्यों है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस कार को आज पूरी दुनिया में एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस कार की अनोखी इंजीनियरिंग। पर इस कार के इतना महंगे होने की वजह जो है वो और कुछ नहीं बल्कि हैंडमेड बनावट है, जहां इसको बनाने में कम से कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और अधिक से अधिक लोगों को इस कार के बनाने के काम में जुटा दिया जाता है, ताकि जो कोई भी इस कार में बैठे उसे अपनापन महसूस हो। इस कार से जुड़ा एक और बेहतरीन किस्सा है, जहां भारत के महाराजा राजा जयसिंह रोल्स रॉयस के कार शोरूम में गए थे, लेकिन वहां के सेल्समैन ने यह कहकर इनका अपमान कर दिया कि आप यहां से जाइए, ये कार बहुत महंगी है। जिसकी तैश में आकर राजा जयसिंह ने उसी शोरूम से 10 गाड़ियां निकलवाई और वापस भारत में इनका इस्तेमाल कपड़े उठाने और ले जाने के लिए किया। अब तो जाहिर सी बात है कि भारत के राजा महाराजाओं से अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो इतनी शानदार गाड़ियों का वो यही हाल करेंगे ना। राजा जयसिंह ने गाड़ियों का जो भी हाल किया हो, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गाड़ी कचरा उठाने लायक ही है। इन्होंने जब अपनी पहली कार बनाई थी तो इनका नाम रोल्स रॉयस 10 HP था, और इस कार को उस समय स्कॉटलैंड के एक शख्स मिस्टर थॉमस जूनियर ने मात्र 395 पाउंड में खरीदा था, जहां आज के समय में ये कार चकाचक हालत में है, और इसकी इस समय की कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस दुबई में होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां हांगकांग में मौजूद हैं।
और हाँ, जब आप रोल्स रॉयस की गाड़ियों के टायर को घुमाएंगे तो इसका जो सिंबल है वो बाकी गाड़ियों के तरह टायर के साथ नहीं घूमता, उसके साथ ही गाड़ी के बिल्कुल आगे लगे लेडी का जो स्टैच्यू है वो भी कभी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैच्यू गाड़ी के स्टार्ट होते ही ऊपर आता है और जैसे ही गाड़ी बंद होती है ये वापस अंदर चला जाता है। और अगर कोई गाड़ी स्टार्ट करके भी इस स्टैच्यू को चोरी करने की कोशिश करेगा तो इसको हाथ लगाते ही वो वापस अंदर चला जाता है, यानी कि किसी भी हाल में इस कार का डुप्लीकेट वर्जन तैयार नहीं किया जा सकता। और शायद डुप्लीकेट चीज का कॉम्पिटिशन न होने की वजह से ही रोल्स रॉयस अपनी गाड़ियों को इतने शानदार तरीके से बनाकर बेचता है कि कोई भी इंसान खुशी खुशी इसकी इतनी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। इस कार का हर एक इंजन हाथ से बना होने के कारण लोगों का ट्रस्ट इस कार पर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो अपनी पहली पसंद इस गाड़ी को मानते हैं, जहां पर उन्हें भरोसा मिलता है कि रोल्स रॉयस गाड़ी उनका साथ बीच राहों पर नहीं छोड़ेगी और उन्हें हमेशा रॉयल फीलिंग देंगी जो वो चाहते हैं। आपका तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हमारे पास करोड़ों में पैसे हुए तो हम इस कार को जरूर खरीदना चाहेंगे। बाकी अगर आपके पास करोड़ों में पैसे हुए तो आप रोल्स रॉयस, ऑडी या बीएमडब्ल्यू में से किस गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।